हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेट अप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के पार्ट 4 के बारे में। यानी कि इसके पहले वाली वीडियोस में हमने देख लिया था कि चार्ट्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरे का पूरे लाइन चार्ट के बारे में बता दिया है, ठीक, इसके पहले वाली वीडियो में। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं किस चार्ट के बारे में, बार चार्ट के बारे में, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा, बेसिकली कोशिश क्या करूंगा, चलिए इस एक ही वीडियो में बार चार्ट के बारे में हम सब कुछ समझते हैं और पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने ठीक इसके पहले वाली वीडियो जो मेरी लाइन चार्ट पे है, अगर आपने उसको देखा होगा तो आप ये समझ गए होंगे कि चार्ट को ड्रॉ करना क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे उसके रिजल्ट्स को हम देखते हैं। तो लाइन चार्ट जो होता है वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइंस होता है, जबकि बार चार्ट जो हमारा होता है वो होता है इन फॉर्म ऑफ व्हाट, बार। कहता क्या है कि अ डायग्राम इन विच द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड बाई द हाइट और लेंथ। यानी कि या तो हम हाइट के फॉर्मेट में या तो लेंथ के फॉर्मेट में, यानी कि अगर कुछ हम ऐसा ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, इस तरह के कुछ ड्रॉइंग होते हैं, इस तरह के जो चार्ट्स होते हैं, इन चार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के चार्ट्स को हम लोग बार चार्ट कहते हैं, ठीक है। फॉर द बार चार्ट वी विल यूज द बार फंक्शन। यानी कि बार चार्ट बनाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, बार फंक्शन को यूज करते हैं। वेयर वी डिफाइन द पोजिशन ऑफ द बार्स, जहां पे हम इन बार्स के पोजिशन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं एक्स एक्सिस पे। और मतलब एक्स एक्सिस पे हम पोजीशन, मतलब ये जो बार्स होंगे वो कहां ड्रॉ होंगे, उसका पोजीशन हम एक्स एक्सिस पे, यही होता है ना मेरा एक्स एक्सिस, यहां पे हम डिफाइन करते हैं। जबकि इनकी हाइट कितनी होगी, ये जो हम डिफाइन करते हैं वो किस पे करते हैं, वी डिफाइन इट इन व्हाट, वाई एक्सिस, ठीक है। एडिशनली वी कैन ऑल्सो कॉन्फिगर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, वो भी हम क्या करेंगे कि क्या उसका कलर होगा, ठीक है, क्या वेथ होगा इस बार का, यानी कि ये कितना चौड़ा होगा, कितना पतला होगा, ये सब भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो बार चार्ट बेसिकली क्या होता है, ये भी हमारे डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, जो बार्स के फॉर्म में हमें फैसिलिटेट करता है कि हम डेटा को क्या कर पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक होता है हमारा एक्स एक्सिस जिसमें हम बार के पोजीशन को डिफाइन करते हैं, एक होता है हमारा वाई एक्सिस जिसमें हम बार की हाइट को, कितना बड़ा है वो डिफाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता क्या है कि अगर आपको बार चार्ट बनाना है तो फिर आप बार चार्ट कैसे बनाएंगे, व्हाट विल बी द वे टू क्रिएट अ बार चार्ट। बहुत आसान है, अगर आपने लाइन चार्ट पढ़ रखा है तो बार चार्ट आपके लिए काफी आसान होने वाला है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेफिनेटली आपको समझा दूं, ठीक है। तो सबसे पहला लाइन जो कोडिंग का आपका होता है वही होता है कि इंपोर्ट matplotlib.pyplot, क्योंकि यही वो लाइब्रेरी है जिस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया जाता है कोई भी तरह का चार्ट बनाने के लिए। एज पीएलटी, ये सेमीकोलन यहां मैंने गलती से दे दिया है, एज पीएलटी मतलब क्या हुआ, आपको जो अब इसका नाम है यानी कि इसका एलियस आपने दे दिया पीएलटी, तो आगे आप इसके अंदर के जितने भी फंक्शंस को यूज करेंगे वो डायरेक्टली आप पीएलटी के जरिए कॉल कर पाएंगे, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए बेसिकली एक वाई लिया है और एक एक्स एक्सिस लिया है। ऑब्वियस सी बात है जो हम चार्ट ड्रॉ करेंगे वो ऐसा होगा कुछ जिसमें दो एक्सिस होंगे। ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या है हमारा, ये है हमारा वाई एक्सिस, राइट। तो कहता क्या है कि आप वाई के लिए एक लिस्ट बना लो और आप एक एक्स के लिए लिस्ट बना लो और पीएलटी डॉट बार और एक्स को और वाई को क्या करो, यहां पे डाल दो। यानी कि तो जब x को डालोगे तो x की सारी वैल्यूज ले लेंगे। अब x और y ऐसा नहीं है कि आपको पहले x बनाना था फिर y बनाना था, इन दोनों को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। तो x को ऊपर ले जाइए, y को नीचे ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहां पे जब आप पास करेंगे तो पहली वैल्यू x में जाती है, दूसरी वैल्यू y को जाती है, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है शो करने के लिए आप पीएलटी डॉट शो करेंगे। तो क्या होगा, x की वैल्यू जब जाएगी तो x एक्सिस में तीन मार्कर बनेंगे, तीन पोजीशन बनेंगे, 0, 1 और 2। तो दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम सपोज 1 एंड दिस विल बिकम व्हाट, 2। अब क्या होगा, y में क्या हो जाएगा, 20, 30, 40 बनेगा। तो 20, 30, 40 नहीं बनता, उसको एक प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ता है। तो मान लीजिए 10 से मैं शुरू करता हूं, तो 10, 20, 30 और यहां क्या होगा, 40 हो जाएगा। और कहता क्या है, तो रेस्पेक्टिव वैल्यू यानी कि 0 वाले के लिए 20 होगा, तो 0 वाले के लिए 20 होगा, तो ये रहा 0 वाले के लिए क्या, 20, ठीक है। वैसे ही 1 वाले के लिए क्या होगा, 30 होगा, तो 1 वाले के लिए क्या हुआ, ये रहा 1 वाले के लिए 30। और वैसे ही 2 वाले के लिए क्या होगा, 40 होगा, तो 2 वाले के लिए क्या हुआ, 40। तो दिस इज द बार चार्ट दैट विल बी डिस्प्लेड जब आप इसको क्या करोगे, रन करोगे, और plt.show से यही चार्ट आपको शो कर दिया
जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, बार चार्ट बनाते समय हम बार फंक्शन को यूज करते हैं, इस बार फंक्शन के अंदर हम दो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, एक एक्स एक्सिस के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए। जो वैल्यूज हम एक्स एक्सिस में देंगे वो इस तरह इधर यानी कि नीचे हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले किया जाएगा, जो वैल्यूज हम वाई एक्सिस के लिए देंगे वो वर्टिकली डिस्प्ले किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जैसे 0 वाले पे 20, 1 वाले पे 30 क्या किया जाएगा, बार को ड्रॉ कर दिया जाएगा। चलिए इसे प्रैक्टिकली भी साथ साथ करके देख लेते हैं। तो ये है हमारा आइडियली, और अगर हम यहीं पे कर लेते हैं, चलिए इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज व्हाट पीएलटी है ना, ये कर लिया हमने। अब इसको थोड़ा सा फर्स्ट टाइम थोड़ा सा वक्त लगता है इंपोर्ट करने में, सिर्फ फर्स्ट टाइम, उसके बाद ये काफी आसान हो जाता है। अगर आप चाहें तो पूरा इसका एक प्रोग्राम बना सकते हैं, फाइल मेन्यू में जाके न्यू करके आप वहां पे एक नया प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन यहीं पे शो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो मैं नया प्रोग्राम नहीं बना रहा हूं, ठीक है। अब सपोज कीजिए मैं एक एक्स एक्सिस लेता हूं, ठीक है, एक्स एक्सिस की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूं, 0, 1, 2 ले लेता हूं। जितनी वैल्यूज एक्स मिलेंगे ठीक उतनी वैल्यूज वाई में लेनी पड़ेगी, क्यों, तभी तो कॉम्बिनेशन बनेंगे। मान लो मैं यहां 10 लेता हूं, यहां क्या लेता हूं 15 लेता हूं, ठीक है, और यहां क्या लेता हूं 5 ले लेता हूं ताकि डिफरेंस रहे। और फिर मैं क्या करता हूं, plt.bar बार फंक्शन में मैं x को पास कर देता हूं और y को पास कर देता हूं, और फिर मैं क्या कहता हूं plt.what show यानी कि शो कर दो, बार को ड्रॉ करने के बाद उसको शो कर दो। तो देखिए ये है आपका चार्ट जो अपीयर हुआ जब मैंने शो किया। क्या किया था मैंने, देखिए x पे 0, 1, 2 दिया था, तो देखिए x पे क्या दिया, x पे जो आया वो 0 आया, यहां पे 1 आया, यहां पे क्या आया 2 आया ना। उसके बाद y पे क्या दिया, तो x वाले के रिस्पेक्ट में 10 दिया, ठीक है, x वाले के रिस्पेक्ट में जब 10 दिया तो ये देखिए x वाले के रिस्पेक्ट में यानी 0 के रिस्पेक्ट में क्या दिया 10 गया, वैसे ही 1 के रिस्पेक्ट में क्या गया 15 गया, यहां देखिए 14 के बाद 15 आएगा, और जो है वो 2 वाले के रिस्पेक्ट में क्या गया 5 गया, तो 2 वाले के रिस्पेक्ट में यानी कि x एक्सिस पे 2 ये 5 तक गया। अब ये जो विड्थ देख रहे हैं इसको आप पतला कर सकते हैं, जो कलर देख रहे हैं ब्लू कलर उसको आप हटा सकते हैं, मतलब डिफॉल्ट कलर जो ड्रॉ होता है वो ब्लू कलर होता है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं, मतलब हटाने का मतलब चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले इसमें और देखते हैं कि इनमें हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। तो ये है बार चार्ट के एट्रीब्यूट्स, ये पूरा है मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट डॉट बार, इसमें इतने सारे आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, एक्स एक्सिस देना होता है, वाई एक्सिस देना होता है, ये तो हम दे चुके, विड्थ आप दे सकते हैं, कलर आप दे सकते हैं, अलाइनमेंट भी आप दे सकते हैं, ये तीनों चीजें आप क्या कर सकते हैं अलग अलग दे सकते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस ये वही है कि कौन से पॉइंट आप एक्स एक्सिस पे बनाना चाहते हैं, वाई एक्सिस यानी कि कौन कौन कितना हाइट आप देना चाहते हैं, ठीक है। कलर ये क्या होता है, दिस इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द लाइन, यानी कि लाइनिंग की जो कलर है वो आप चेंज करना चाहते हैं, आगे दिया होगा देखिए, जैसे यहाँ पे हम क्या कहते हैं वही इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी, फिर से ये सेमी कोलन नहीं रहेगा, देंगे भी आप तो कोई गलती नहीं होने वाला, y के लिए आपने ये वैल्यूज ले ली, x के लिए आपने ये वैल्यू ले लिया, ठीक है। आप कहते हैं पीएलटी डॉट बार x और y, और यहाँ पे हमने विड्थ को 1.1 कर दिया, कॉमा विड्थ इक्वल टू 1.1, तो विड्थ जो है वो क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, विड्थ क्या हो जाएगा छोटा बड़ा जितना आप करके देखेंगे छोटा बड़ा होते रहेगा। अगर हम प्रैक्टिकली करना चाहें तो चलिए प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे ये है हमारा आइडियली, ठीक है, उसके पहले हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, अब करता हूँ क्या PLT, सारा चीज वही है PLT डॉट वॉट बार, और मैं x और y को तो पास करूंगा ही करूंगा, मैं यहाँ कहता हूँ width इक्वल टू 1.1 कर देता हूँ, मान लीजिए 1.1, और ये मैंने कर दिया बंद, ठीक है। अब मैं कहता हूँ PLT डॉट वॉट शो, ओके, तो क्या होगा देखिए, width बड़ा हुआ, वन जो होता है वो वन से जब बड़ा करेंगे तो वो मोटा चला जाएगा, वन से छोटा करेंगे तो वो छोटा चला जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, फिर से अगर मैं इसको कॉपी और पेस्ट करके विड्थ कम कर देता हूँ, मान लीजिए कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंट्रोल वी, और यहाँ पे 1.1 के बदले मैं कर देता हूँ 0.5, इसको क्या करता हूँ सेव करता हूँ, और फिर से सेव करने की जरूरत नहीं है, सॉरी मुझे लगा प्रोग्राम है, ठीक है, मैं एंटर करता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ PLT डॉट वॉट शो, यानी कि आप इसको शो करो, एंटर करते हैं, जैसे एंटर करते हैं देखिए पतला हुआ, वन डिफॉल्ट हाइट जो होती है, डिफॉल्ट विड्थ जो होती है वो वन होती है। अब उसको आप बड़ा कीजिएगा जितना, तो वन से जितना बड़ा कीजिएगा वो बड़ा होता चला जाएगा, वन से जितना छोटा कीजिएगा वो छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, विड्थ इक्वल टू 0.5 किया, छोटा हो गया, और छोटा करना चाहते हैं तो 0.2 कर दीजिए, ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्या कर दीजिए 0.2 और कर दीजिए एंटर, और फिर से क्या कर दीजिए PLT डॉट वॉट शो। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे देखिए और पतला हो गया, क्लियर है। तो अब एक चीज इसमें और है, वो क्या चीज समझने वाली बात है, वो ये समझने वाली बात है कि हम जो ये विड्थ दे रहे हैं 0.2, ठीक है, जिसे रन करके फिर से, अगर मैं PLT डॉट शो को फिर से रन करके आपको दिखाऊं, कंट्रोल सी
एंड देन कंट्रोल वी करके एंटर करते हैं तो शो हो गया, नहीं हुआ, फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये रहा मेरा बार चार्ट, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया और मैंने कर दिया plt.show से इसको शो कर दिया। ठीक है, अब जो मैंने ये शो कर दिया, अब देख देखिए जो मैंने विड्थ दी थी 0.2 वो इन तीनों बार के लिए एक जैसी हो गई है ना, मतलब तीनों बार का जो विड्थ हो गया वो हो गया 0.2। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप तीनों बार का विड्थ अलग अलग करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तीनों का विड्थ जो है वो अलग अलग प्रिस्क्राइब कर दीजिए। अगर एक दीजिएगा तो वो एक ले लेगा, एक ही वैल्यू सब में लगा देगा, लेकिन अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो लीजिए ना, यहां पे विड्थ को एज अ लिस्ट दे दीजिए, लिस्ट में 0.2 एक को दे दीजिए, कॉमा 0.5 एक को दे दीजिए, कॉमा 0.7 एक को दे दीजिए, आपकी मर्जी, और लिस्ट को बंद कर दीजिए। तो आपने क्या किया यहां पे, आपने हर एक, क्योंकि आपको पता है तीन बार है, तीन वैल्यूज देनी पड़ेंगी, ये कंपलसरी है, याद रखिएगा। जैसे मैंने एंटर किया और मैंने यहां क्या करूंगा, plt.show show, ठीक है, देखिए पतला मोटा और मोटा, मतलब बार की जो हाइट होती है, मतलब सॉरी विड्थ होती है, उस विड्थ को आप इंडिविजुअली बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, ये आपके हाथ में होता है। तो ये था कौन सा एट्रीब्यूट, तो हमने पहला एट्रीब्यूट जो पढ़ा, एक्स एक्सिस की वैल्यू दे दी, वाई एक्सिस की वैल्यू दे दी, और अगर हम एक विड्थ देते हैं तो वो सब पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, जबकि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट देते हैं तो आपको याद रखिएगा, अगर आपको वहां तीन बार है तो यहां तीन देना पड़ेगा, तो हर एक का अलग अलग विड्थ सेट हो जाता है। नेक्स्ट है कलर, ऑब्वियसली बात है कलर करना चाहते हैं अगर आप, तो ये लाइन जो आपको याद होगा हमने लाइन चार्ट जो पढ़ा था उसमें भी सेम कलरिंग मैकेनिज्म थी, सेम थी, बी से ब्लू, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ब्लू ही होता है याद रखिएगा, जी से ग्रीन हो जाएगा, आर से रेड हो जाएगा, एम से मेजेंटा हो जाएगा। इस पर अगर प्रोग्रामिंग करना चाहें तो प्रोग्राम लीजिए, फिर से वही इंपोर्ट पाई matplotlib.pyplot एस plt, एक्स के लिए वैल्यू, वाई के लिए वैल्यू, एक्स और वाई रहने दीजिए, विड्थ भी रहने दीजिए अगर आप चाहते हैं तो, एक्स और वाई तो मैंडेटरी है, अगर आप चाहते हैं तो विड्थ को हटा सकते हैं। कलर इक्वल टू रेड, तो जो भी आप बार्स आएंगे वो किस कलर में आएंगे, रेड कलर में आएंगे। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, तो चलिए सॉरी ये रहा हमारा, ये हमें आइडियली ओपन करना है, ये रहा आइडियली, हम क्या करते हैं देखिए plt.what एक्स को पास किया, वाई को पास किया, मैं विड्थ वगैरह छोड़ देता हूं, मैं यहां सीधे कहता हूं क्या कलर इक्वल टू व्हाट, रेड, रेड के लिए मैंने आर दे दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, अब मैं कहता हूं क्या plt.show, यानी कि आप शो कर दो हमारे चार्ट को plt.what show show, और मैंने किया एंटर, देखो सारा का सारा क्या हो गया, रेड कलर में आ गया। अब जैसे आपने एक कलर प्रिस्क्राइब किया तो क्या हुआ, सारे के सारे रेड में आ गए, जैसे आपने एक विड्थ स्पेसिफाई किया था तो सारा का विड्थ सेम हो गया था। यहां पे बिल्कुल वैसे ही अगर आप चाहें तो सबके लिए अलग अलग कलर भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको एक लिस्ट देना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ कलर्स। तो मान लीजिए कलर इक्वल टू आप क्या करते हैं, रेड, ठीक है, फिर आप करते हैं ग्रीन, और फिर आप करते हैं क्या ब्लू, सॉरी गलती से मेरे को एंटर हो गया, आप कलर इक्वल टू क्या करते हैं रेड, ठीक है, और फिर कॉमा ग्रीन एंड देन व्हाट ब्लैक, या चलो रेड ग्रीन ब्लू ही कर देते हैं, आरजीबी ही होता है ना ब्लू, ठीक है, और ये मैंने बंद कर दिया। तो जो पहला बार है, देखो ये सब मैं तीन वैल्यू क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैंने, मुझे पता है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसमें तीन ही वैल्यूज हैं, ठीक है, तीन ही बार्स हैं। मैंने यहां एंटर किया और मैं यहां क्या करता हूं plt.what show, जैसे मैं शो करके एंटर करूंगा, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू, ठीक है। तो ये है आपको कलर एट्रीब्यूट। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या अलाइनमेंट, हाँ अलाइनमेंट कैसे समझेंगे, अलाइनमेंट समझने के लिए देखिए मैं ये चार्ट दिखाना चाहता हूं आपको, ये ध्यान से चार्ट देखिए, ये जो वैल्यू है 0.0, ये जो वैल्यू है 1.0, ये वैल्यू जो है वो 2.0, ये जो वैल्यू है, ये जो चार्ट ड्रॉ हुआ है आपका, यानी ये जो बार ड्रॉ हुआ है बिल्कुल सेंटर में, मतलब 0.0 बिल्कुल सेंटर में, देख रहे हैं ये पूरा बना, ये बिल्कुल सेंटर में है, वैसे ही ये 1.0 बिल्कुल सेंटर में, ये पूरे बार के बिल्कुल सेंटर में, ये 2.0 जो है क्या पूरे बार के क्या है सेंटर में है ना, इसी को अलाइनमेंट कहते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, तो एज, एज का मतलब होता है किनारा, एज का मतलब क्या होता है किनारा, तो सेम प्रोग्राम है, ठीक है, बस आप चाहें तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है वो सेंटर होता है, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट सेंटर यानी बीच में होता है, आप इसको चाहें तो एज कर सकते हैं, एज का मतलब होता है एक एक किनारे पे आप इसको शो करो, कुछ नहीं है, बस आप चाहे हो तो करके यहां देख लो, कंट्रोल वी से मैं वो लाइन पेस्ट कर देता हूं, कलर रेड कर देता हूं, जरूरी नहीं है मैं यूज करूं, लेकिन मैं मल्टीपल भी यूज करके आपको दिखा दे रहा हूं। और यहां कहते हैं क्या अलाइन इक्वल टू व्हाट, एच ई डी जी ई, और मैंने कर दिया एंटर, ठीक है। अब मैं कहता हूं क्या plt.show, जैसे मैं एंटर करूंगा ध्यान से देखो क्या हुआ, 0.0 जो है ये पहले सेंटर में था, याद है, अब देखो एज मतलब बिल्कुल किनारे, यानी यहीं से जो है वो बार ड्रॉ होना शुरू हुआ, 1.10 पे पहले क्या था सेंटर में था, बिल्कुल अब ये क्या हुआ यहीं से क्रॉस होना हुआ, यानी एज यानी किनारे से, यानी कि 1.1 के किनारे से, 2.0 के किनारे से, यानी जो हमने दिए हैं वैल्यूज उसके किनारे से क्या करो स्टार्ट
करो, तो ये होता है एज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है कि अभी तक हम जो ड्रॉ कर रहे थे वो कर रहे थे कौन सा, वर्टिकल वर्टिकल बार चार्ट को ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, वर्टिकल बार चार्ट है ना, जो भी चार्ट थी वो ऐसी ड्रॉ हो रही थी, है ना, ऐसी वर्टिकली। अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना चाहते हैं लाइक दिस, तो आपको बस बार के बदले बार एच फंक्शन को क्या करना होता है, यूज कर देना होता है। चलिए करके देख लेते हैं, कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे और बस यहां पे मैं बार के बदले बार एच कर दूंगा, बस एंटर कर दूंगा। सारा एट्रीब्यूट सेम है, याद रखिएगा सारा एट्रीब्यूट सेम है, बार का भी और बार एच का भी। तो बार जो होता है, बार फंक्शन वर्टिकल बार चार्ट क्रिएट करता है और बार एच फंक्शन हॉरिजॉन्टल बार चार्ट क्या करता है, क्रिएट करता है। और हम क्या कर देंगे, पीएलटी डॉट व्हाट शो, एंटर करेंगे, हॉरिजॉन्टल आ गया ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। तो ये भी एक ऑप्शन था जो आपका हो गया। लेट्स मूव फर्दर, खत्म, यानी कि यही था हमारा कौन सा, सारा का सारा बार चार्ट का कॉन्सेप्ट, है ना, यही तो थे। एक्स एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू, वेट दे दिया, कलर दे दिया और अलाइनमेंट दे दी। तो दिस इज द वैल्यू, दिस इज एवरीथिंग अबाउट अ बार चार्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।